हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद, चिप लेवल मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ISO 9001 टू 2015। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट। हाँ, तो सो फ्रेंड्स, हमारे पास एक फोन है जो कि रियलमी, कौन सा मॉडल है आप बताना? रियलमी 5। तो इसमें क्या इशू है जरा बताना? लोगो स्टक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लोगो पे फोन ये स्टक हुआ है। तो हमारे पास एक स्टूडेंट है, अपना नाम बताओ। अमित जैन। कहाँ से आप? महाराष्ट्र से। तो यहाँ पे बताना, ये फोन किसने लेके आया? ये मैं खुद लेके आया। ये तुम्हारे पास ही लेके आया? हाँ जी। क्या प्रॉब्लम था इसमें? ये लोगो स्टक पे ही है। लोगो स्टक पे ही आया था? सर्विस सेंटर। ऑलरेडी मार्केट से ये जाके आया क्या फोन? जी, मार्केट से भी जाके आया, सर्विस सेंटर से भी जाके। सर्विस सेंटर से भी रिटर्न हुआ, ऑलरेडी मार्केट से भी जाके आया है। तो ये फ्लैशिंग वगैरह करने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था वहाँ से। तो आज हम यहाँ पे इसके अंदर ये प्रॉब्लम देखने वाले कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? ये रियलमी 5 आई के अंदर सेम प्रॉब्लम आता है। तो हम यहाँ पे इसको यूएसबी से तो हम कर नहीं सकते, नहीं। हम यहाँ पे कैसे काम करने वाले इसमें? आईएसपी, ठीक है, आईएसपी पिन आउट, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करने वाले भाई? आईएसपी पिन आउट से कनेक्ट करेंगे और इसके बाद हम इसको डिटेक्ट करने के बाद इसके अंदर जो पार्टीशन है एक बार उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक ये फोन लोगो पे ही स्टक है। तो सबसे पहले गूगल पे सर्च करके बताना इसका आईएसपी पिन आउट कैसे आता है, कहाँ आता है। आपको आता है ना सर्च करना? जी हाँ। तो बता दो एक बार सबसे पहले आप। रियलमी 5 डालो। हाँ ठीक है, आपको यहाँ पे मॉडल आ गया जैसे कि आप देख सकते हैं। इतने सारे फोटो, कोई भी एक फोटो ओपन कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वहां पे एक फोटो ओपन हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलो ठीक है, ये आईएसपी पिन आउट आपने निकाल दिए। अब यहाँ पे फोन को ओपन करेंगे सबसे पहले और आईएसपी पिन आउट करेंगे हम इसको, और उसके बाद यहाँ पे डिटेक्ट करने के बाद आपको उसके बाद डिटेक्ट करेंगे। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड हमने रिमूव कर लिया और आईएसपी पिन आउट यहाँ पे हम लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले जो वायर है हमारे आईएसपी वाले जंपर है, इसको पहले आपस में जो टच हो जाते हैं तो उसको पहले क्लियर करेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे सबसे पहले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे फ़ोन को कनेक्ट कर लिए और इसका आईएसपी पिन आउट एक एक जो पॉइंट हमारा जहाँ जा रहा है हम वहाँ पे सबसे पहले कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे तो यहाँ पे कौन सा जंपर लग रहा है अपना? डाटा 0 का जंपर यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, लग गया यहाँ पे डाटा 0 का जंपर। लगने के बाद अभी दूसरा लगाओ। तो सबसे पहले फोटो में देख लो कि कहाँ जंपर हमारा और है। ठीक है, अभी सीएमडी बता रहा है कहाँ पे, MMC के नीचे। उस पर थोड़ा सा ग्लू होता है, ठीक है, तो वहां पे ठीक से जंपर लगेगा नहीं, थोड़ा सा अच्छा वहां पे रंगा अच्छे से लगा देना। ठीक है, लग गया। उसके बाद अभी कौन सा है? CLK देना है ना।
सीएल का दे रहे क्या? ठीक है, सीपीयू और एमएमसी के बीच में एक जो सेकंड नंबर वाला रजिस्टर है वहाँ पे देना है, और उसके कौन से साइड देना है वो भी बता रहा है। ठीक है, ऊपर वाले साइड दे रहा है, नीचे वाली साइड सीपीयू में जा रही है, ऊपर वाली साइड एमएमसी में जा रही है। ठीक है, ठीक है, लग गया क्या? ठीक है, लगाओ अच्छे से। वो पेस्ट रहने की वजह से थोड़ा सा लूज हो जाएगा, ब्लैक पेस्टेड उस पर कोट किया हुआ है। अच्छा लगना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, थोड़ा रांगा लेना उस पे शोल्डर पे। थोड़ा सा ही लेना, पेस ज्यादा गिरने की वजह से। लग गया नहीं, थोड़ा सा वो हाँ स्क्रैच कर सकते हो। चलो, इसके बाद यहाँ ISP कनेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे सबसे पहले हम इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, इसमें फ़ोन इसमें डिटेक्ट कर लो, ठीक है, उसमें फिट कर लो। शॉर्ट नहीं होगा? नहीं नहीं, आराम से रखना, शॉर्ट नहीं होगा। ठीक है, खाली चार्जिंग का पत्ता लगाना है और फ़ोन को कनेक्ट करना है आइडियल में। तो यहाँ पे चार्जर यहाँ पे है, चार्जर कनेक्ट करो। इसके बाद यहाँ पे LCD को कनेक्ट कर लेंगे अपन, लैपटॉप को एक मिनट पकड़ना, पकड़ना जरा उधर से। चलो, उसमें कनेक्ट कर लिया अपने फ़ोन को। ठीक है, उसका दूसरा वाला जो पॉइंट जो अपना अडाप्टर है इसमें कनेक्ट कर लेना, जंपर संभाल के खींचना नहीं टूट जाएगा। घुमा घुमा सीधा करना बॉक्स को। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे आप लगा लिए और चार्जिंग लगा लेना और टूल ओपन कर लेना। चलो चलो चलो, यहाँ पे ऊपर वाला MMC, सबसे पहले MMC टूल ओपन करेंगे अपन। यहाँ पे अपडेट आएगा तो उसको कैंसिल करना, ठीक है। चलो, स्क्रीन बड़ा करो पेज को। हाँ,
हाँ चलो वेरी गुड। अब ISP कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? हाँ ठीक है, उस पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, टिक लगाएंगे जो कि हमारा डायरेक्ट ISP बताएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, आइडेंटिफाई। वेरी गुड। अगर हमारे कुछ जंपर सही नहीं लगे तो फोन डिटेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोन हमारा IC डिटेक्ट कर लिया है ना। ठीक है चलो, अब एक बार सबसे पहले हेल्थ रिपोर्ट चेक करो, ये MMC का हेल्थ रिपोर्ट कितना है। हेल्थ रिपोर्ट हाँ क्लिक करना उस पर, एक बार ये MMC का हेल्थ चेक कर लेंगे। ठीक है यहाँ पे MMC नॉर्मल है, हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं है, 0-10% है। फिर भी हमारा ये फोन क्या था, हैंग ऑन लोगों पे था, केयर से सॉफ्टवेयर हुआ था लेकिन नहीं हुआ, हैंडसेट ऑन नहीं हुआ, सेम एज कंडीशन पे। अब हम यहाँ पे एक सिंगल ट्रिक पे काम करेंगे, एक सिंगल ट्रिक पे हम ये फोन को ऑन करेंगे। तो ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप हेल्थ चेक कर लिया, अब सेकंड स्टेप बताना, ये इसमें हमें फ्लैशिंग करना है क्या? नहीं। बताओ भाई नहीं। ये हम वन क्लिक में काम कर सकते हैं, हैंग ऑन लोगो वाला प्रॉब्लम, Realme 5 का जो भी प्रॉब्लम आता है, हमें कोई फाइल इसमें फाइल डाल रही है फ्लैशिंग करने के लिए, कोई टैब नहीं, सिर्फ हमें एक काम करना है जो आप यहाँ देख सकते हैं। आपको पता है क्या क्या करना है? ठीक है करना है, यूजर एरिया में जाने के बाद उसके बाद क्या कर रहे आप? हाँ देखो कहाँ पे मिस फाइल ढूंढो। आ थोड़ा स्क्रॉल नीचे करके, हाँ दिख गया। चलो वेरी गुड। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, टिक लगाएंगे और इरेज़। चलो वेरी गुड करो। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिस फाइल को हमने यहाँ पे इरेज किया है, यहाँ पे देख सकते हैं एक सेकेंड भी नहीं लगा, 0.00 सेकेंड में ये हमारा काम हो गया। ठीक है एक बार वापस आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम ठीक है ये आइडेंटिफाई हो गया हमारा यहाँ पे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, निकाल के हाँ चलो यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे बॉक्स से। हमें यहाँ पे कोई फ्लैशिंग वगैरह किए क्या? नहीं सिर्फ मिस फाइल को हमने क्या किए, इरेज कर दिए मिस फाइल को। अब इरेज करने के बाद यहाँ पे हम ISP पिन आउट को निकाल लेंगे। डायरेक्ट लगा के चेक करते क्या, ISP लगा के डायरेक्ट बिना पिन निकाले नहीं कर सकते। ठीक है तो सबसे पहले हमें जितने जो जंपर लगे थे सारे जंपर हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम फोन को चेक करेंगे ये हमारा ऑन हुआ कि नहीं। तो ये फोन किस कंडीशन पे था पहले, तो अब देखेंगे हमारा हैंग ऑन लोगो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। कौन बोल रहा है? ठीक है निकालना जरा जंपर। उधर निकल गया। ठीक है सारे जंपर निकल गए जी। ठीक है कोई शॉर्ट तो नहीं आपस में जंपर निकालने में, वो देख ले एक बार, वो भी देखना कोई आपस में टच तो नहीं हो रहा है कोई जंपर। ठीक है चलो चलो फोन में लगा लेना और एक बार यहाँ पे सेकेंड लोगो आ गया तो हमारा फोन क्या हो गया, ऑन हो गया। ये पहले फर्स्ट लोगो पे स्टक था। डायरेक्ट पावर की लगाने के बाद चार्जर लगा लो क्योंकि चार्जिंग उसमें तो नहीं है ना, पहले ऑन करना। चार्जिंग नहीं है, एक बार चार्जिंग लगाना। चार्जिंग का लोगो आया क्या? ठीक है पावर ऑन कर रहे हैं। ठीक है अभी बैटरी लगा के ऑन करना एक बार। ठीक है ऑन हो गया यहाँ पे, इसको चार्ज नहीं है। एक बार चार्जर लगा के अभी ये फर्स्ट लोगो आया है, वेट करेंगे जब ये सेकेंड लोगो आ जाएगा तब
हमें पता हो जाएगा कि फोन ऑन हो गया। अब ये तो कैसा लगा भाई ये काम? हाँ, आपके सामने ये हैंग ऑन लोगो वाला फोन आया था, ये मार्केट से रिटर्न आया, तीन चार दुकानदार रिटर्न कर दिए, साथ ही साथ केयर वाले से भी रिटर्न आया। ने इसका मेरे को 8,500 रुपए कुछ एस्टिमेट, मदरबोर्ड का एस्टिमेट दिया था 8,500 रुपए। पासपोर्ट होता आ गया उसके पुराने, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इसका फोन ऑन हो गया है नॉर्मली और ओपन हो गया, जिसमें कस्टमर का डाटा गया क्या? नहीं, जैसे जैसे कि कस्टमर का डाटा जैसे वैसे ही है, सिर्फ हमारा फोन क्या प्रॉब्लम से हट गया, हैंग ऑन लोगों पे हुआ ना। तो यहाँ पे अभी ये ऑन हो गया, अब यहाँ पे आप इसको अनलॉकिंग, अगर डाटा बचा हुआ है कस्टमर को हम रिटर्न दे सकते हैं या फिर इसको अनलॉक भी करके दे सकते हैं। तो इतना इजी वे है सारा कुछ करने में। आप ये पहले काम करे कभी आपको नहीं, पता नहीं, था फर्स्ट टाइम किया, फर्स्ट टाइम किया, आपको कभी पता था ISP पिनआउट से जम्पर लगाना, यहाँ पे UFI बॉक्स, ये UFI बॉक्स आप पहली बार यूज किए, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस कैसा लगा करने में? एकदम इजी। कोई परेशान होने वाला, कोई दिमाग खाने वाला या पसीना निकलने वाला काम था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं था, एकदम इजी वे में समझा है जी। तो यहाँ पे अब सभी को बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे कैसा लगा क्लास? अनलॉकिंग करना आ गया, विदाउट डाटा लॉस अनलॉक कर सकते हैं आप, साथ ही साथ हैंग ऑन लोगो वाला प्रॉब्लम जो हमने ISP से किए, MMC निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। और फ्लैशिंग किया क्या हमने इसको? नहीं करे। एक ट्रिक के अंदर हमने क्या किया इसको? अनलॉक किए। हमारा हेल्थ ओके था, सारा कुछ ओके था, सिर्फ हमारा एक हमने फाइल को इरेज करने से हमारा फोन ऑन हो गया, है ना। हाँ, वापस करना पड़ेगा। हाँ, उसको बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये सब हम कर सकते हैं ना जी। चलो, वेरी गुड, थैंक्स।